तो काफी प्यारा सा कर्व है। हेलो ए लिली, बाय बाय उज्जैन, जय महाकाल। तो हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और फिलहाल मैं हूँ उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। तो कुछ इस तरह का है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है रणथंभौर एक्सप्रेस में। तो कुछ इस तरह का है उज्जैन जंक्शन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं आया था महाकाल के दर्शन करने, तो मैंने दर्शन वगैरह कर लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिख देना प्लेटफॉर्म के अंदर। और जो अपनी ट्रेन है रणथंभौर एक्सप्रेस, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। तो दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 उज्जैन जंक्शन का। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है। वैसे डिस्प्ले तो नहीं हो रही है, तो फिर भी चलते हैं 4 पे। आप लोग व्यू एंजॉय करो। और इधर बगल में खड़ी है गोरखपुर अहमदाबाद, ये साबरमती एक्सप्रेस है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। कितना अच्छा क्यूट सा डॉग है। हेलो, आजा आजा, नो 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 नो, ले 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 ले। नो 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 नो, चलो मिलते हैं बाद में। चलो बाय 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 बाय। ये है जोधपुर इंदौर जोधपुर। तो दोस्तों अभी मिस कंफ्यूजन में ये मेरी ट्रेन छूट जाती, बट मैंने जब स्टेटस चेक किया तो ट्रेन अराइव दिखाया था। तो मैंने पूछा, तो फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है। तो चलते हैं अपने कोच में S1 में। दोस्तों रणथंभौर एक्सप्रेस उज्जैन जंक्शन बिफोर टाइम आ गई थी। यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइम है 7:35, बट ट्रेन आ गई थी लगभग 7:10, 25:34 आ गई थी। तो फिलहाल दोस्तों अभी 10 मिनट बचे हुए हैं ट्रेन को डिपार्चर होने में। और जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है नागदा जंक्शन, जहाँ पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होने वाला है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, मिलते हैं डिपार्चर के टाइम। और हाँ दोस्तों, उज्जैन जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जय महाकाल जरूर लिखना। तो दोस्तों इधर खड़ी थी जयपुर भोपाल एक्सप्रेस। जाइए, दौड़ के जाइए, पकड़ा जाएगा, जाइए। अरे भाई साहब का ट्रेन छूट गया, दौड़ रहे थे। हमारी ट्रेन न छोड़ेगा, पता नहीं कहाँ लोग मटर गश्ती करते रहते हैं, और जब ट्रेन निकल जाती है तो दौड़ते मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन उज्जैन जंक्शन से डिपार्चर ले रही है रणथंभौर एक्सप्रेस। जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है नगला जंक्शन है, जहाँ पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होने वाला है। तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। वैसे इस ट्रेन के बहुत सारे स्टॉपेज हैं। बाय बाय उज्जैन, जय महाकाल।
सो दोस्तों यहाँ से रिवर्सल होने के बाद हमारी ट्रेन इस वाली रूट पे जाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो अभी आपको मैं लोकोमोटिव रिवर्सल भी दिखाऊंगा। आगे फाइनली अपनी ट्रेन नगदा जंक्शन अराइवल हो गई है। तो आप लोग अराइवल देखो। भाई लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 हैं और ट्रैक्स 10 हैं। और जो लाइनें यहाँ से निकलती है दिल्ली मुंबई मेल लाइन और नगड़ा उज्जैन सेक्शन जो कि भोपाल की तरफ चली जाती है। बाकी दोस्तों प्लेटफॉर्म पे खाने पीने की सारी सामानें आपको मिल जाएगी नगड़ा में। और यहाँ पे आप लोग आते हो तो कचौरी और समोसा ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होने वाला है। तो ट्रेन अभी इधर से आई है, अब इधर को ही जाएगी। आगे मैंने आपको दिखाया था ट्रैक। बाकी दोस्तों मैं आपको लोकोमोटिव रिवर्सल दिखाता हूँ। और बात करें नगड़ा जंक्शन की तो इसका स्टेशन कोड है NDA और डिवीजन इसका पड़ता है रतलाम, जोन पड़ता है वेस्टर्न रेलवे। पीछे की तरफ आ गया हूँ तो आपको मैं जनरल कोच का भी पोजीशन दिखाता हूँ। जनरल और यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल आपको मिल जाएगा जहाँ से आप समोसा और कचौड़ी खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी होता है। तो हमने पोहा ले लिया है, खाते खाते आपको दिखाता हूँ रिवर्सल। अवध एक्सप्रेस अवध बांद्रा टर्मिनल बरौनी जंक्शन हमारे साइड जा रही है। तो भाई लोग फाइनली अपनी ट्रेन नगदा जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। अब हमारी ट्रेन जाएगी सवाई माधोपुर वाली लाइन से। तो ये देखिए दोस्तों WAG-2LB बंद खड़ी है नागड़ा रेलवे स्टेशन के आउटर पे। और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है माहिदपुर रेलवे स्टेशन तो भाई लोग देखिए हमारी यहाँ से ये रही नागड़ा उज्जैन सेक्शन। तो इधर को जा रही है आप लोग देख सकते हैं। और ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है डाउन लाइन पे दिल्ली की तरफ से, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो अब इसको होम सेक्टर आप देख सकते हैं। दोस्तों नागड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के बाद हमारी ट्रेन महितपुर रोड रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ये स्टॉपेज है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कुछ इस तरह का है रेलवे स्टेशन। और शायद पीछे से मेन लाइन का लाइन क्लियर हो चुका है। तो आप लोग व्यू इंजॉय करो, शायद यहाँ पे ओवरटेक होने वाला है। महितपुर हॉल्ट से अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे फिर सीधा आपसे।
भोर एक्सप्रेस सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इसमें इतने सारे इसके स्टॉपेज दे रखे हैं। काफ़ी सारे स्टॉपेज है इस ट्रेन के, तो सारा कवर करना मुश्किल है। तो मैं अब आपसे सीधा मिलूँगा कोटा रेलवे स्टेशन पे। तब तक आप लोग विक्रमगढ़ से आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों बीच में कहीं भी नींद खुली तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ट्रेन की हॉन्ग हो चुकी है, तो लाइन क्लियर मिल चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। बाकी जर्नी पूरी जोधपुर तक होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना। भाई लोग अपनी ट्रेन रणथंभौर एक्सप्रेस चौमहला रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। शायद लग रहा है फिर से ओवर। अगर आप लोग वीडियो में बने हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों चौमहला से हमारी ट्रेन, आप लोग भी एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ सीधा आपसे कोटा रेलवे स्टेशन। वैसे इसके बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेज है जिनको मैं नहीं कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इस रूट को पहले कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पहले से ही तो आप लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मैं सीधा सीधा छोटा रेलवे स्टेशन। के जस्ट आगे वाला कोच थर्ड एसी का है रणथंभौर एक्सप्रेस में, और हमारी कोच जो है S1 में 32 नंबर सीट है। तो दोस्तों मिलते हैं सीधा कोटा रेलवे स्टेशन पे। बाकी दोस्तों वॉशरूम ठीक ठाक सी है, बाकी वॉश बेसिन मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। और तो ये देख सकते हैं वॉश बेसिन साफ सुथरा है बिल्कुल। दोस्तों काफी प्यारा सा कर्व है। अराइवल एंजॉय करो कोटा जंक्शन का। फूड ट्रैक IRCTC फूड प्लाजा मिल जाएगा, और नीलम फूड सेंटर भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल। और ट्रेन अपनी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की आई है। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन कोटा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है रणथंभौर एक्सप्रेस। तो आप लोग इसका डिपार्चर एंजॉय करो, देखता क्या है भाई। Thank you.
फिलहाल हमारी ट्रेन रणथंभौर एक्सप्रेस आधे घंटे की देरी से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो गई है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये IRCTC द्वारा फूड ट्रैक फूड प्लाजा अभी हाल फिलहाल खोला गया है, पहले नहीं था ये चीज़। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा फूड ट्रैक, IRCTC द्वारा बनाया हुआ ये कॉरिडोर, देख सकते हैं इंडियन फूड, साउथ इंडियन और बेकरी फूड, ये तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से ये हमारी रणथंभौर एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव है वो चेंज होने वाला है, और जो लोकोमोटिव लगेगा WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लगेगा। अभी जैसे वहाँ से ट्रैक 7 के साथ आई थी नागदा रेलवे स्टेशन से, बट दोस्तों अब सवाई माधोपुर में वापस से इसका रिवर्सल होगा और ट्रेन हमारी WDP-4D लेकर के जाएगी जोधपुर तक रणथंभौर एक्सप्रेस को। तो बाकी दोस्तों डिपार्चर के टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों पूरा एक ग्रुप आया है रणथंभौर घूमने के लिए सवाई माधोपुर, और हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो आपसे मैं मिलता हूँ सीधा जयपुर रेलवे स्टेशन। देखो ऐसे कौन उतरता है। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन रणथंभौर एक्सप्रेस सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ सीधा आपसे अब जयपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों रणथंभौर एक्सप्रेस में सवाई माधोपुर के बाद लोकल ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा बोर्ड कर जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं ये सारे लोकल पैसेंजर हैं, और इनके पास जनरल की टिकट है। TT इनको बार बार कह के थक गया, लेकिन ये बार बार घूम फिर के आके बैठ ही जा रहे थे। सो अगर आप भी रणथंभौर में यात्रा करते हो तो आपको इस बारे में पता होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी ट्रेन रणथंभौर एक्सप्रेस जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से बिल्कुल ट्रेन आधे घंटे की देरी से आके खड़ी हुई है, और यहाँ से ट्रेन डिपार्चर ले रही है। मैं इस ट्रेन को यहीं पे डिवोट कर रहा हूँ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग इस ट्रेन का दुर्गापुरा से डिपार्चर देख लो। और देखो सवाई माधोपुर के बाद इस ट्रेन में WDP-4D लगा था लोकोमोटिव, तो फाइनली ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो गई, तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिखना। तो दोस्तों ये गई अपनी रणथंभौर, उज्जैन से जयपुर आ चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।